Okay, ladies and gentlemen, this is a very beautiful morning. This is Nasir, your wellness trainer. Ladies and gentlemen, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी खूबसूरती से नवाजा है, बहुत सारे बहुत सारे लामहदूद अनलिमिटेड। मगर बींग ए पाकिस्तानी वी आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। यस, बज़ाहिर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं मगर वी आर एट द सेम टाइम कनेक्टेड टू दिस वर्ल्ड। वी आर ए वर्ल्ड, यस वी आर, हम एक दुनिया है, हम उस वर्ल्ड वाइड दुनिया का, उस कायनात का हम हिस्सा हैं। मगर हमें इस ब्यूटीफुल पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंटल वेलनेस के ऊपर कोई सेंस नहीं है, देयर इज़ नो सेंस एट ऑल, राइट। देखिए, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसा आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, दे आर ट्रीलेस, वहाँ पे दरख्त बहुत कम हैं, राइट। They have oils, they have everything, but जहाँ पे trees की बात होगी, trees नहीं होगी, रेगिस्तान है, ठीक है, पानी नहीं है, तो कहाँ से दरख्त उगेगी। तो आपके पास अल्लाह ताला ने deserts भी आपको दिया है, आपको जंगल से भी नवाजा है, agriculture से भी नवाजा है, यानी you just name it, seasons है आपके पास बहुत सारी। मगर हमारे लोगों में जब तक ये environmental pollution की solution का सेंस नहीं आएगा, तब तक वी विल नॉट बी एबल टू हम तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट वी आर गिविंग बैक टू द गार्डन, हम रिस्पेक्ट देंगे वही रिफ्लेक्ट कर रहा हमारे ऊपर, राइट। आप समंदर की तह पे जाएं, आप पहाड़ की चोटी पे जाएं, आप किसी जंगल में जाएं, आपको कचरे का ढेर वहाँ नज़र आएगा, राइट। मैं आई डोंट वॉन्ट टू गो टू शो यू ऑल, ठीक है। अगर मैं आपको इस वक्त यहाँ मैं जिस एक आई मीन इस्लामाबाद और दिस वॉज जस्ट, मैं खुद निकला हूँ, मैंने देखा मैं कि आई वॉन्ट टू सी हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। एक तो टाउन प्लानिंग नहीं है, कोई बिल्डिंग मैनेजमेंट नहीं है, ये तो ऑलरेडी सबको पता है। जहाँ मर्जी आए हम तोड़ते हैं, ठीक है जी, इसको प्लॉटिंग किया हुआ है, हमने पूरे पाकिस्तान को प्लॉटिंग किया गया है, ठीक है जी। जहाँ जिसका हिस्सा में आया उसने उसको गबन किया हुआ है, लेकिन हमें उसकी, चलो वो अच्छी बात, लेकिन हम उसकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने भी टॉप कंपनीज़ हैं वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई ख्याल नहीं रख रहे, इन्वायरमेंटल वेलनेस का कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? अब इसका इम्पैक्ट यह है कि आपके जो फ्यूचर के बच्चे हैं ना, वो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली उस लेवल के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये कि व्हाट वी आर गिविंग बैक टू द गार्डन, इसी गार्डन से फिर हमारी एक लिविंग है ना, ये हमें, ये जो ज़मीन है, ये जो अल्लाह ताला की जो ने जो हमें यहाँ पैदा किया है, ये हमारा घर है, दिस वर्ल्ड इज़ आवर होम। अगर हमें इसकी रिस्पेक्ट नहीं है, इसकी प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर यही होगा कि हमें उसका, हमें जो गिव बैक करेगा ना, जो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे ऊपर, तो वो यही होगा, ठीक है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने हॉली बुक में फरमाया कि आपने ज़मीन पर अकड़ के नहीं चलना है, ठीक है, तकबुर में नहीं चलना है, गुरूर में नहीं चलना है। तो ये एटीट्यूड टुवर्ड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर इतनी ग्रेविटी है कि इट्स ह्यूज ग्रेविटी, तो हमने उसके साथ रहना है, लेकिन हमने कभी उसके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर हमने कोई काम नहीं किया, कोई स्टडी नहीं किया। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इस पर आपको कोई PhD करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर कोई मास्टर्स डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट डिप्लोमा इज़ रिक्वायर्ड, इट नीड्स ए कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस के साथ साथ एहसास है ज़िम्मेदारी, और आपके अंदर अगर वो शऊर डिवेलप हुआ है कि आपने अपने एरिए को
प्रोटेक्ट करना है, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। आपका इन्वायरमेंट सिर्फ आपके घर के चार दीवारें तक नहीं है, ये आपके हमसाए में, आपके गली मोहल्ले, और ये पूरा फिर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर ये जाता है। तो गाइस, ये बहरहाल मैं अपनी जो कंट्रीब्यूशन है ये कम्युनिकेशन, और मुझे एक्शन भी करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे लोग सामने आए जैसे माशाल्लाह से रेहान अल्लाह वाला ने कराची में जो चीज़ स्टार्ट की है झाड़ू लेकर के, ठीक है जी, और आपको पता है यहाँ झाड़ू से लोग घबराते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। हथियार लेने से नहीं घबराएंगे, छुरी उठाने से नहीं घबराएंगे, चोरी करने से नहीं घबराएंगे, लेकिन झाड़ू उठाने से घबराएंगे। भाई क्यों, वाई? वो चीज़ झाड़ू जो आपके एरिया को एक टूल है क्लीन योर एरिया। फिर डस्टबिन के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उसके अंदर भी तीन चार पोर्शंस हैं। ग्रीन इन्वायरमेंट, इको टूरिज्म, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सब कुछ क्या है? ये एडवांस कंट्रीज़ हैं जो इसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होती है कि आपने अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है। ये अभी मैं सुन रहा था, देर वॉज सम दिस इंडियन योगी, उसने कहा कि अगर इंसान इस दुनिया में 1 मिनट के लिए अगर नहीं होगा तो ये ग्लो करेगा दोबारा से, ठीक है, ये दुनिया दोबारा से ग्रो एंड ग्लो करेगा, ठीक है। इसकी इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि इस सबसे ज़्यादा जो डैमेज इस वर्ल्ड को किए जा रहे हैं वो वी आर द वन, यस। तो हमारे अलावा भी क्रिएचर्स हैं ना, अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, ठीक है, वो कोई इतना इस इतना डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे इस वर्ल्ड को जितना हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ हैंड ओवर किया है हमें उसकी वैल्यू, उसकी कदर शायद नहीं है, तो वो हमें उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। दैट्स दैट्स द पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट मीन्स हम अल्लाह ताला की इस दुनिया को मैं अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बींग ए ह्यूमन बींग, कि हम इसको किन किन नुकसानात से बचा के रखना है, क्योंकि आखिरकार हमें इसी ज़मीन से ही खाना मिलता है, इसी ज़मीन में हम हल जोतते हैं, इसी ज़मीन से हमारी प्रोडक्शन बनती है फ्रूट्स, ठीक है। फिर ऊपर आसमान को देखें आप, ठीक है, ये कितना अच्छा एक खूबसूरत एक सिस्टम है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी दुनिया पैदा की है, एंड वी आर नॉट able to protect it, guys. So please मेरा साथ दीजिएगा, और इस बात को अगर बुरा न मानिएगा तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, शऊर आए कि हमने इस माहौल को बचाना है। ये हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें ये इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी, ठीक है, इस ब्यूटिफुल इन्वायरमेंट को ख़राब करें। तो गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यस। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, और दैट्स इट गाइस, प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट गाइस, प्लीज कंट्रीब्यूट योरसेल्फ, ठीक है, कंट्रीब्यूट, यानी अगर आप पर डे नहीं कर सकते तो पर वीक कीजिएगा, पर वीक नहीं तो पर मंथ कीजिएगा, पर मंथ नहीं तो पर क्वार्टरली, या 6 मंथ्स में, या 1 ईयर के बाद कोई ना कोई ब्यूटीफुल रिसर्च, कोई ना कोई ब्यूटीफुल एक्शन टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। तो नहीं तो साल में भी अगर एक दफ़ा करेंगे ना, और अगर आप ख़ुद भी कोई कम्युनिकेट करें, लोगों में ये अवेयरनेस आए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी गाइस। थैंक यू वेरी मच, एंड अल्लाह हाफिज़। Take care.